गाइस बड़ी दुख की बात है कि टाटा मोटर्स ने यहाँ पे फिर से अपने प्राइस हाइक्स रिवील कर दिए हैं, वो भी 1.8%। काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है यार। तो बेसिकली ये जो प्राइस हाइक है वो वेरी करेगा हर एक कार के हिसाब से, चाहे फिर वो बेस्ट मॉडल हो या फिर आप टॉप एंड मॉडल हो, तो उसमें भी वो प्राइस हाइक वेरी कर सकता है। तो आज की वीडियो में अपन देख लेते हैं कि टाटा की किस गाड़ी पे, किस किस वेरियंट पे आपको कितना प्राइस हाइक देखने को मिलेगा, वो भी एग्जैक्ट अमाउंट पे। ये जो सारी वैल्यूज होंगे वो मैं आपको एक्स शोरूम प्राइसिंग में ही एड ऑन करूंगा। सो गाइस देख लेते हैं कि टाटा मोटर्स ने आखिर कितना प्राइस हाइक करा है, वो भी कौन कौन सी गाड़ी पे। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट अबाउट द ऑल प्राइस हाइक्स ऑफ टाटा मोटर्स कार्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर सकते हैं, और जो नए यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब तो दबाएं सही, उसके बाजू में एक बेल आइकन होगा उसको जरूर से प्रेस करें, वरना क्या है यार नोटिफिकेशन नहीं जाते बेल आइकन दबाए बिना। वीडियो को जरूर फॉलो करें, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है parth.sony75। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे जो टाटा मोटर ने प्राइस हाइक रिवील करा है वो वेरी करता है फ्रॉम 10,000 अप टू 36,000। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टाटा नेक्सॉन के बारे में कि कितना प्राइस हाइक आपको देखने को मिलेगा। टाटा नेक्सॉन चूंकि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स भी की थी इनकी, तो यहाँ पे अराउंड 10,000 का प्राइस हाइक आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसका बेस मॉडल परचेस करेंगे। इसका बेस मॉडल आता है 7.09 लाख रुपीज़ का, जो कि अब 10,000 प्राइस हाइक होने पे करीब करीब 7.19 लाख रुपीज़ एक शोरूम आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्टली अगर इसके और वेरिएंट्स की बात करें टॉप स्पेक्स ट्रिम्स की, जैसे कि XZA प्लस डुअल टोन वेरिएंट, तो वो आपको 12.95 लाख रुपीज का पड़ेगा एक शोरूम अगेंस्ट 12.79 लाख की जगह। और येस्टरडे आज के टाइम में तो ये मैंने आपको बेस मॉडल और टॉप एंड मॉडल दोनों के प्राइस हाइक आपको रिवील कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर पॉइंट टू बी नोटेड की बात करें तो टॉप एंड मॉडल में प्राइस हाइक आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो 12.79 लाख है वो अब हो चुका है 12.95 लाख रुपीज़। तो काफ़ी अंतर आपको प्राइस हाइक में बेस मॉडल और टॉप एंड में भी काफ़ी ज़्यादा कंपेरिजन देखने को मिलता है। सेकेंड गाड़ी की बात करते हैं और वो है टाटा टियागो। टाटा टियागो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कार मानी जाती है अभी के टाइम में, पर देखते हैं कि प्राइस हाइक के बाद क्या ये अफोर्डेबल हैचबैक हो पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि ओवरऑल सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। हरमन गार्डन का म्यूजिक सिस्टम रहता है टाटा टियागो के अंदर, स्पेस अच्छी मिल जाती है, इंटीरियर कमाल का है, डिज़ाइन फ्यूचरिस्टिक मिल जाता है, सारी चीज़ें। यहाँ पे जो एक्सी का टियागो का मॉडल पड़ता है वो 4.85 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम पड़ता है, और प्राइस हाइक होने के बाद अभी हो जाएगा 4.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, यानी कि लगभग आप 5 लाख मान के चलिए कि अब इसका आपको बेस मॉडल पड़ जाएगा। थोड़ी थोड़ी प्राइस हाइक की वजह से टाटा हो सकता है कि अब मात खा जाए यहाँ पे सेल्स के अंदर, क्योंकि 4.85, 4.99 बहुत ज़्यादा होता है यार 15,000 का प्राइस हाइक करीब करीब। और जो इसका टॉप एंड ट्रिम है XZA प्लस डुअल टोन, जो कि आपको पहले पड़ता था 6.84 लाख रुपीज़ और प्राइस हाइक होने के बाद आपको 6.95 लाख रुपीज़ का पड़ेगा। तो टाटा टियागो में आपको यहाँ पे इस तरीके का प्राइस हाइक देखने को मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाटा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक, जिसने अभी रिसेंटली हुंडई i20 की सेल्स को भी पीछे करा था, पर क्या इसकी प्राइस हाइक इफेक्ट करेगी इसकी सेल्स को, ये देख लेते हैं। करीब 6,650 यूनिट्स बिकी थी टाटा एल्ट्रोस की पिछले मंथ के अंदर अप्रैल के महीने में, यानी कि तो जो टाटा एल्ट्रोस की बेस मॉडल की प्राइसिंग पड़ती थी वो थी 5.69 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, और यहाँ पे जो डीजल एग्जेट प्लस की प्राइसिंग थी वो 9.45 लाख रुपीज़ पड़ती थी टॉप एंड ट्रिम में। तो यहाँ पे जो 5.69 लाख रुपीज़ की एक्स शोरूम पेट्रोल प्राइसिंग है बेस मॉडल की एक्सी की, वो 10,000 बढ़ के हो जाती है 5.79 लाख रुपीज़। और जो एग्जेट प्लस डीजल की बात करें टॉप एंड ट्रिम की, जो आपको 9.45 लाख रुपीज़ का पड़ता है वो आपको 9.55 लाख रुपीज़ का पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि टाटा एल्ट्रोस में इतनी ज्यादा प्राइस हाइक नहीं है, करीब 10,000 का आपको प्राइस हाइक एल्ट्रोस के अंदर देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा इफेक्ट टाटा एल्ट्रोस वालों के ओनर्स को नहीं होने वाला जो कि परचेस करने की सोच रहे, बट हाँ टियागो और नेक्सॉन में काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा। आइए और जान लेते हैं बाकी के बचे कारों के प्राइस हाइक के बारे में। टाटा एल्ट्रोस के बाद आती है टाटा की सबसे ज्यादा प्रीमियम एसयूवी, यानी कि हैरियर।
हैरियर की करीब 1700 यूनिट्स बिकी थी अप्रैल मंथ के अंदर अंडर। यहाँ पे जो प्राइसिंग स्टार्टिंग वो पड़ती है 13.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, और इसका जो टॉप एंड ट्रिम है एग्जैक्ट ए प्लस डुअल टोन वो 20.45 लाख रुपीज़ का पड़ता था। अब प्राइस हाइक होके जो 14 लाख रुपए का है वो हो जाता है 14.29 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, यानी कि 30,000 का प्राइस आपको देखते को मिल रहा है बेस मॉडल में। और अगर आप इसका टॉप एंड ट्रिम लेते हैं तो 20.45 से अब आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा 20.81 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम में। तो हैरियर में आपको काफ़ी अच्छा तगड़ा वाला प्राइस हाइक देखने को मिल जाता है, तो ये डेफिनेटली प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इफेक्ट इसलिए करेगी जब ये ऑन रोड हो जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। हैरियर में कुछ ज़्यादा ही प्राइस हाइक कर दिया इन्होंने, क्योंकि कंपटीशन के हिसाब से देखते हो इनको काम करना चाहिए मेरे ख्याल से। नेक्स्ट आती है आखिरी टाटा की बची सफारी, जो कि 7 सीटर प्रीमियम SUV है। यहाँ पे उसकी स्टार्टिंग प्राइस पड़ती है 14.69 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, इसका XE वेरियंट है, जो कि प्राइस हाइक होकर अब आपको मिलेगा 14.99 लाख रुपीज़ में, यानी 15 लाख से इसकी स्टार्टिंग प्राइस हो जाती है। और जो इसका टॉप एंट्री में एग्जैक्ट ए प्लस जो कि 25.06 लाख रुपीज़ का पड़ता है, अब उसका टॉप एंट्री आपको पड़ेगा 21.61 लाख रुपीज़। बाप रे बाप, सफारी में तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाइक कर रखा है। तो यही है कुछ प्राइस हाइक की कहानी। अभी भी प्राइस हाइक होने के बाद जो कि वैल्यू फॉर मनी गाड़ियाँ बचती हैं वो मेरे ख्याल से एक तो नेक्सॉन है और टाटा एल्ट्रोज है। टाटा टियागो में भी काफ़ी प्राइस हाइक कर चुके हैं, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, और सफारी और SUV पे भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने एक गाड़ी का नाम नहीं लिया, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि उस गाड़ी पे प्राइस हाइक है ही नहीं, क्योंकि वो सबसे टाटा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से सबसे नीचे आती है। आप मुझे उसका कमेंट करके बताने कि मैंने कौन सी गाड़ी छोड़ दी। सो गाइस, यही थी प्राइस हाइक की कहानी। आप मुझे बताइए कि अब इस प्राइस हाइक से खुश हैं क्या? ऑब्वियसली कोई तो खुश नहीं होगा, बट अल्टीमेटली सच्चाई तो यही है, प्राइस हाइक होने वाले हैं। आप नियरेस्ट डीलरशिप पे अभी जाके एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हो सकता है आप प्राइस हाइक से बच जाएं। तो अगर आप टाटा की कोई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, खासकर हैरियर हुई या फिर अपनी सफारी हुई, तो आप जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करिए अपने डीलरशिप को और अच्छी ग्रैब डील ले लीजिए, क्योंकि वरना एक बार प्राइस हाइक हो गई तो सभी को दिक्कत होगी। गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।